आज हम शेयर करेंगे रॉ मैंगो जैम की रेसिपी, और ये बहुत ही टेस्टी जैम है और आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत इजी रेसिपी है, चलिए बनाना स्टार्ट करें। इसके लिए हमने लिया है ये 1/2 kg कच्चे आम, और आम को मैंने धो के अच्छे से सुखा लिया है, और ये 200 ग्राम चीनी लिया है, 1/4 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये नमक लिया है 1 pinch, और ये थोड़ी सी दालचीनी लिया है, और इलायची पाउडर। ये हमारा इंग्रेडिएंट है। आमों को हमने धो लिया था, अभी हम इसको पील करके ग्रेट करके लेना है। ये आम मैंने ग्रेट करके ले लिया है, और अभी हम इसमें शुगर मिलाएंगे। शुगर मिलाने के बाद ये अच्छे से मिला देंगे, और इसको डिजॉल्व होने तक हम 20 मिनट इसमें रख देंगे, ताकि ये चीनी जो है बिल्कुल मिक्स हो जाए और डिजॉल्व हो जाए। वो अभी कवर करके 20 मिनट के लिए इसको रख देंगे। अभी 20 मिनट हो गया है और ये चीनी भी डिजॉल्व हो गया है इसमें। अभी हम इसको कुक करेंगे। अभी हम ये कुक करेंगे। कुक करने के लिए हमने पैन गरम कर लिया है और गैस ऑन कर दिया है, और इसको एक बार मिक्स कर देंगे, और अच्छे से स्पैचुला से चलाते हुए इसको हम मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे, और ये बहुत जल्दी आम कुक हो जाएगा। ये देखिए, ये 2 से 3 मिनट में ही ये कुक होने लग गया है। आम जैसे ही थोड़ा सा कुक होने लग जाए तो हम ऐड कर देंगे दालचीनी के टुकड़ा और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी। आप कलर भी डाल सकते हो, लेकिन रोज़ रोज़ कलर अच्छा नहीं होता है हर चीज़ में। इलायची पाउडर, और ये हम 1 pinch नमक डालेंगे। कोई भी मीठा चीज़ का थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस होने के लिए हम नमक डालते हैं, और नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल जैम की तरह आ जाए तब तक हम इसको कुक करेंगे इस तरह से चलाते हुए। हमने 4 से 5 मिनट कुक किया है। ये देखिए, ये धीरे धीरे ये जैम के कंसिस्टेंसी में आ गया है, और ये देखने में भी कलर बहुत बढ़िया आया हुआ है। ये देखिए, अभी हम गैस बंद कर देंगे और ठंडा करेंगे। हमारा रॉ मैंगो जैम बन के तैयार है। ये देखिए कितना बढ़िया जैम बन के तैयार है। अभी हम इसको इस तरह से प्याले में निकाल लेंगे। आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके इसको महीने तक यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी जैम है। और देखिए, और खाने के लिए बहुत ही टेस्टी है। ब्रेड, रोटी सबके साथ यूज़ कर सकते हैं आप। ये मैं ब्रेड पे लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने ब्रेड पे स्प्रेड कर दिया है, और इतना बढ़िया जैम बन के तैयार है जैसे मार्केट से ख़रीदा हुआ है, और इतना बढ़िया मार्केट जैसा है, और टेस्टी भी है, बनाना बहुत आसान है। ये देखिए कितना बढ़िया जैम बन के तैयार है, बड़ी आसानी से बन जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। और अभी मैंगो सीज़न है, और ये रेसिपी तो आप एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।